ट्रैक्टर इतना गुड रहा है कि ट्रैक्टर इस टाइम पे 600-700 RPM की ड्रॉप पे दे रहा है। जो ट्रैक्टर की ड्रॉप पे है अभी तक 500-600 RPM की ड्रॉप पे है। वही ट्रैक्टर है दोनों की हैरों पे और वही ट्रैक्टर आप डबल कर रहे हैं जैसे इसमें हम, तो डबल में इसकी RPM ड्रॉप ही देखना 2000 से ट्रैक्टर की RPM ड्रॉप। अब वही ट्रैक्टर सिर्फ 50 RPM ड्रॉपेज पे आ गया है। इस तरीके से हमने ये 5 एकड़ में इस ट्रैक्टर को रवा किया है, इसमें हमने कुछ टाइम ज़्यादा लगाया है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरमीत दी फार्मर। तो आज हम लेके आए हैं न्यूहोलैंड 36 सुपर फोर व्हील ड्राइव में। ये ट्रैक्टर हमारे एक फ्रेंड का ट्रैक्टर है। इस ट्रैक्टर को अभी 200-250 घंटे चल चुका है, मगर ट्रैक्टर अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा। ट्रैक्टर बहुत ज़्यादा घुट रहा है, इसे हमने रवा करना है। रवा करने की प्रक्रिया आज थोड़ी चेंज है। आगे ट्रैक्टर के कबार लगा दिए अच्छे से और पीछे ट्रैक्टर के आज हमने 9 तवों की हैरों डाली है। 9 और 9 18 तवों की हैरों हैं और हैरों भाइयों फुल खोल दी है। लास्ट किली में इसमें आना नहीं था इसलिए लास्ट से एक कम है, बट पूरी खुली हुई हैरों हैं, पूरी हैवी हैरों हैं। और फोर व्हील में हम इस ट्रैक्टर को अपनी प्रॉपरली हीट पर लेके जाएंगे। ट्रैक्टर अभी तक हीट पर गया नहीं है इसलिए ट्रैक्टर को हीट पे लेके जाना है हमने। स्टार्ट कर रहा हूँ ट्रैक्टर, चलवा जाओ। इसके अवर चेक कर सकते हैं आप, ट्रैक्टर 200 कुछ अवर चला हुआ है और इसकी RPM और पहले हाई में परफॉर्मेंस चेक करेंगे। तो ट्रैक्टर के RPM चेक करो, 2500 पे हम सुला छोड़ रहे हैं। तो ट्रैक्टर इतना घुट रहा है कि ट्रैक्टर इस टाइम पे 600-700 RPM की ड्रॉपेज दे रहा है। जो ट्रैक्टर की ड्रॉपेज है अभी तक 500-600 RPM की ड्रॉपेज है। और हैरों की कंडीशन ये है, बहुत ही हैवी लोड है, खेत भी थोड़ा गिल्ला है, मगर हमें ट्रैक्टर को एक नॉर्मल हीट तक लेके जाना है। ट्रैक्टर का मीटर ये रहा हीट वाला। काफ़ी देर हो गई हमें ट्रैक्टर को चलाते हुए, तो अभी से नॉर्मल ट्रैक्टर अपनी हीट पे गया नहीं है। इसकी परफॉर्मेंस लेने के लिए इसकी हीट पे चलाएंगे। पहले हाई में भी ट्रैक्टर कम घोट रहा है अपना काफ़ी ज़्यादा, तो ट्रैक्टर को पहले हाई में हमने प्री लोड पे चलाना है। जैसे ट्रैक्टर फ्री लोड चले उस अकॉर्डिंग हमें चलाना है ट्रैक्टर को। तो भाइयों ट्रैक्टर हमने दूसरे के मीडियम में चला रखा है 2500 चक्करों पे। अभी ट्रैक्टर के अंदर 300-400 RPM ड्रॉपेज है और ट्रैक्टर पर बहुत ही ज़्यादा ओवरलोड डाल रखा है आज हमने। बहुत ही ज़्यादा का मतलब ये है कि नोट है 9-9 की हैरो और फुल खोल रखी है। आप कुछ चेक कर सकते हैरो पूरी बैठ के चल रही है और 50 HP का ट्रैक्टर है ये। और उस अकॉर्डिंग फोर व्हील की वजह से ट्रैक्टर की परफॉर्मेंस डाउन आ रही थी कुछ, वो ट्रैक्टर भी गर्म कर रहे हैं कुछ। ट्रैक्टर गर्म के सिचुएशन पे हल्का हल्का उठ रही है सुई, बट हो नहीं रहा उस अकॉर्डिंग जितना हमें गर्म चाहिए। इसे लगातार हम 1 घंटा चलाएंगे इस तरीके से, फिर इसकी परफॉर्मेंस चेक करेंगे क्या फ़र्क आया है पहले से। चेक करना कि हम 2500 RPM पे इसकी जो क्लच छोड़ेंगे तो ट्रैक्टर अपने RPM कितने कंट्रोल कर रहा है पहले से ये देखना। ट्रैक्टर अपने RPM लेने पे आता जा रहा है। अब ट्रैक्टर पहले से, जैसे पहले इस कंडीशन पे 400-500 RPM ड्रॉपेज थी, तो इस टाइम पे जो ट्रैक्टर की ड्रॉपेज आ रही है वो 200 RPM की है। और अभी हमें आधा घंटा हुआ नहीं है ट्रैक्टर चलाते चलाते। फोर व्हील ट्रैक्टर है। जैसे हम आके इसे रवा करने के लिए अखबार लगाई थी तो उससे ट्रैक्टर हीट पे नहीं आ रहा, तो हमने अब साइडों पे भी अखबार लगा दी है। पहले ट्रैक्टर हीट पे नहीं आ रहा था इस चीज से, अब मैंने दोनों साइड अखबार लगा दी है। कोशिश करूंगा ट्रैक्टर को अपनी हीट पे लाने के लिए। ट्रैक्टर हीट पे आ नहीं रहा, ट्रैक्टर भी रवा होने के लिए पूरा खुल नहीं रहा। पहले से फ़र्क तो आया है मगर उतना नहीं जो उतना आ रहा है, और बहुत ही हैवी लोड डाल रखा है हमने। और इसके दिखाते हैं आके आपको, आ जाओ क्या फ़र्क है पहले से। और यहाँ फर्स्ट हाई गियर है, ये हाई है और ये फर्स्ट है। और ट्रैक्टर की एज और ड्रॉपेज है इतनी है। ट्रैक्टर 200-300 RPM की ड्रॉपेज दे रहा है इस टाइम पे। अभी हमें ट्रैक्टर को थोड़ा हीट पे लाना है, ट्रैक्टर हीट पे आ नहीं रहा। तो अच्छे से जो भी इसकी कोई स्मोक वगैरह नहीं आई।
आएगी, ट्रैक्टर की सारी परफॉर्मेंस चेक करेंगे और इस ट्रैक्टर का फ्यूल एवरेज भी निकालेंगे कि क्या एवरेज है इस ट्रैक्टर का। जो नॉर्मल एक किसान को जुताई पे ट्रैक्टर चलाता है तो उसका एवरेज क्या होना चाहिए इस ट्रैक्टर का, वो भी आज हम वीडियो में चेक करेंगे। तो भाइयों चेक करो, ये गर्म वाली सुई कहाँ पहुँच गई है, ये टेम्परेचर सुई यहाँ तक पहुँच चुकी है और अभी हम इसे अखबार उतारेंगे। पहले थोड़ी सी और ट्राई करेंगे क्योंकि जितनी ज़रूरत है हम उतना टेम्परेचर इसे देंगे। ये हायर एचपी में ट्रैक्टर है, जो सा 50+ HP का ट्रैक्टर है, तो ट्रैक्टर की परफॉर्मेंस निकालेंगे आज सारी हम, कैसे क्या फ़र्क आया ट्रैक्टर पे। तो भाइयों इतना टेम्परेचर हो गया है ट्रैक्टर का, तो अब इसे हम इसके अखबार उतारेंगे और अखबार उतार के दोबारा ट्रैक्टर को चलाएंगे इस कंडीशन में और परफॉर्मेंस चेक करेंगे। ये हम अखबार उतारेंगे इसकी ट्रैक्टर की और ये दोनों साइड वाली अखबार उतार देंगे, आगे की अखबार लगी रहने देंगे, अभी साइड की दोनों उतारेंगे और ट्रैक्टर का टेम्परेचर चेक करेंगे कि ट्रैक्टर किस तरीके से चलता है। ट्रैक्टर का ऑटो टेम्परेचर डाउन आने लग गया है, अब हम ट्रैक्टर को फिर पहला हाई में लगाएंगे, फिर ट्रैक्टर की परफॉर्मेंस देखेंगे ट्रैक्टर कैसे जोर मार रहा है और सभी किसान भाइयों को चेक भी करवाएंगे इसकी परफॉर्मेंस और इसका फ्यूल कंजक्शन भी चेक करवाएंगे। ट्रैक्टर बहुत ही, ये जो ज़मीन है थोड़ी मिक्स रेता की है तो इसमें थोड़ा ट्रैक्टर पे लोड ज़्यादा बढ़ता है, बट फिर भी ट्रैक्टर परफॉर्मेंस अपनी बहुत अच्छी दे रहा है। आपको चेक करवाते हैं दोबारा से, हम अब इसे 2000 RPM पे करेंगे। अब भाइयों 2000 RPM पे ट्रैक्टर का क्लच छोड़ेंगे पहले हाई में, तो अब आप चेक कर सकते हैं कि ट्रैक्टर की क्या ड्रॉपेज है। इस टाइम पे ट्रैक्टर 100-200 RPM कुल तोड़ रहा है, फिलहाल 100 RPM पे है, अभी ट्रैक्टर की और परफॉर्मेंस चेक करेंगे। अभी ट्रैक्टर 100 RPM तोड़ रहा है, वो भी जने हैवी लोड पे, ये पहले हाई की परफॉर्मेंस है ट्रैक्टर। तो भाइयों अच्छे से रवा करने के बाद नॉर्मल टेम्परेचर लाने पे ट्रैक्टर की परफॉर्मेंस आपको चेक कराएंगे। अब फर्स्ट का हाई गियर है, पहला हाई गियर है और अब ट्रैक्टर की ड्रॉपेज देखना, सेम कंडीशन वही फुली एरो है दोनों की, और ये देखना आप अब ट्रैक्टर की क्या ड्रॉपेज है। अब ट्रैक्टर कुल 50 से 100 चक्कर के RPM ड्रॉपेज दे रहा है, वो भी फुल हैवी लोड पे, ये परफॉर्मेंस आ रही है ट्रैक्टर की। वीडियो कैसी लगी आपको लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना भाइयों। छत्ती थी सुपर फोर व्हील में ट्रैक्टर की परफॉर्मेंस नोनों की हैरों पे बहुत गुड परफॉर्मेंस आ रही है। अब कोई स्मोक नहीं ट्रैक्टर में, कोई कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा गहरी जुताई हो रही है, बहुत ज़्यादा हैवी लोड है। जसप्रीत भैया चला रहे हैं हमारे, ट्रैक्टर की परफॉर्मेंस चेक करो, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, फुल कोल रखे नोनों की हैरों, फोर व्हील ड्राइव में पहले हाई गियर में चल रहा है और ट्रैक्टर की साउंड जो है ना, साउंड बहुत प्यारा बन रहा है ट्रैक्टर की, जो कहते हैं ना न्यूलैंड वाली गूंज है, वो बहुत अच्छी बन रही है। साउंड से ट्रैक्टर ने दिल जीत रखा है, ट्रैक्टर इतना अच्छा साउंड बना रहा है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा साउंड आ रहा है ट्रैक्टर का और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है। गिल्ला खेत है एकदम और हैरों भी बहुत ज़्यादा लगा रखी है, वही फुल खोल के आप चेक कर सकते हैं हैरों कितनी लग रही है, बहुत
अच्छे तरीके से ट्रैक्टर चल रहा है अभी इस टाइम पे। वही ट्रैक्टर है नोनो की हैरों पे, और वही ट्रैक्टर आप डबल कर रहे हैं जैसे इसमें हम, तो डबल में इसकी आरपीएम ड्रॉप ही देखना 2000 से ट्रैक्टर की आरपीएम ड्रॉप। अब वही ट्रैक्टर सिर्फ 50 आरपीएम ड्रॉपेज पे आ गया है। इस तरीके से हमने ये 5 एकड़ में इस ट्रैक्टर को रवा किया है, इसमें हमने कुछ टाइम ज़्यादा लगाया है, बट इसका ऐसी परफॉर्मेंस निकल गई है ट्रैक्टर की। ट्रैक्टर बिल्कुल अब आरपीएम ड्रॉप ही नहीं दे रहा, नो की हैरों डबल हो रही है। कहाँ ट्रैक्टर सिंगल हैरों में इतने चक्कर ड्रॉप ही दे रहा था, और अब डबल पे वही ट्रैक्टर है सिर्फ 50 आरपीएम ड्रॉप ही दे रहा है इस टाइम पे।